जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ वृंदावन के एक संत की, योग जो कि यमुना किनारे रहते थे। उनकी जंघा में फोड़ा हो गया था और उसमें कीड़े पड़ गए थे। वो जब भी उनको कीड़े काटते थे तो वो बहुत तेज आवाज में राधे राधे का नाम जाप करते थे, तो वो अपनी पीड़ा भूल जाते थे। वृंदावन में राम कृष्ण मिशन का जो अस्पताल है वहाँ से डॉक्टर आते, उनका उपचार करते, कीड़े निकालते, दवा लगाते और जाने लगते। लेकिन बहुत दिन हो गए, उनका वो घाव तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक बार डॉक्टर साहब उपचार करके जाने लगे, कुछ दूर गए तो वो देखा, उनको याद आया कि वो अपना रूमाल वहीं भूल गए हैं आश्रम में। जैसे ही वो लौटे तो वो क्या देखते हैं कि उन्होंने जो कीड़े निकालकर घाव में से बाहर रखे थे, तो वो जो गुरुजी थे वो कीड़ों को दोबारा उठा उठा कर अपने घाव में रख रहे थे, उठा उठा कर दोबारा अपने घाव में रख रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो? तो बोले, डॉक्टर साहब आप नहीं समझोगे। बोले, अरे समझाइए तो, क्या नहीं समझूंगा? बोले, ये इस पीड़ा में वो आनंद है जो कि किसी में नहीं, किसी सुख में नहीं, क्योंकि जब ये जो कीड़े हैं ना, जब मुझे डंक मारते हैं, काटते हैं, और उस समय जो मेरे अंतर से, आत्मा से जो जाप निकलता है, मैं राधा को पुकारता हूँ, उस समय जो मुझे अनुभूति होती है, वो आनंद आता है। डॉक्टर साहब, वो आप नहीं समझोगे, वो आनंद मुझे अंदर तक सुख का, जैसे कि सागर में गोते लगा लेता हूँ मैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे शरीर में से ये कीड़े दूर हों और मैं राधा नाम उस आनंद से, उस प्रेम से ना ले पाऊँ। डॉक्टर साहब की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, उनके चरणों में लेट गए। बोले, धन्य हो आप, धन्य है ये ब्रजभूमि, धन्य है राधे कृष्ण। ऐसी भावना एक संत की, एक ऐसी जिसको कि शब्दों में वर्णन करना शायद बहुत मुश्किल है, उस पीड़ा को आप अनुभव करके सोच कर देखिए कि किसी के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं और डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, कीड़े बाहर निकाल रहा है, लेकिन वो ही व्यक्ति उन निकले हुए कीड़ों को दोबारा अपने शरीर में रख रहा है। तो सोचिए, वो उस दर्द को भी ले रहा है। तो ये भक्ति मार्ग है ना, ये जो प्रेम मार्ग है, ये हमें पीड़ा में रहना सिखाता है। पीड़ा में ही तो वो आनंद मिलता है। तभी आपने सुना होगा कुंती से, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो कृष्ण भगवान कहते हैं, बुआ मांगो, तुम क्या मांगती हो? तो कुंती कहती हैं, मुझे बस दुख चाहिए, सुख नहीं चाहिए काना कभी। कृष्ण, मुझे कभी भी सुख नहीं चाहिए। क्यों? सुख आएगा तो तुम नहीं आओगे, दुख आता है तो तुम आते हो। द्रौपदी का चीर हरण हुआ तुम आए, और पांडवों को वनवास हुआ तो तुम आए, महाभारत का युद्ध हुआ तो तुम आए, जब जब परेशानी आई तब तब तुम आए, और यदि मेरे जीवन में सुख आ गया तो तुम नहीं आओगे। तो भगवान से अपने लिए सुख मांगना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। भक्ति मार्ग हमें सिखाता है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, हमें उन परिस्थितियों में रहते हुए भी उन पर आगे बढ़ते जाना है और अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाना है, क्योंकि ये मार्ग ही हमको भगवान की तरफ लेके जाएगा, ये मार्ग ही हमको हमारे ठाकुर से मिलाएगा, राधे कृष्ण से मिलाएगा। यदि हम भटक गए सुखों में, अगर हमारे जीवन में भगवान से हमने सुख मांगे और भगवान ने हमें दे दिए, फिर हम भटक जाएंगे, फिर हमारे हम उस काबिल रहेंगे ही नहीं जो भगवान हमें गले से लगाए, फिर भगवान हमें गले से नहीं लगाने वाले, फिर तो भगवान हमें छोड़ देंगे, क्योंकि हम भगवान को छोड़ देंगे, भगवान किसी को नहीं छोड़ते, हम ही हैं पकड़ने वाले और हम ही हैं छोड़ने वाले। तो भगवान से मांगो तो बस उनकी
शरण मांगो कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ठाकुर, मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, मुझे अपनी भक्ति के राह पर बनाए रखना, मैं कभी आपका नाम लेना ना भूलूं। जय हो मेरे प्रभु। कैसी लगी आपको ये कथा? आशा करती हूँ आपको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी, सही राह पर चलेंगे, भगवान का नाम सुमरण करते रहेंगे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।